डिस्कस करेंगे वो है डिटेल ऑफ ऑटोकैड स्क्रीन। ऑटोकैड की जो मेन व्यू है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीकाकार, उम्मीद है कि वो सबको समझ आ गई होगी, उसकी आप हेल्प लेके इजीली अपने कंप्यूटर के अंदर ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन आता है जो कुछ इस तरह से बना होता है। कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है और नीचे लिखा होगा ऑटोकैड 2006। हम आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद इस आइकॉन को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे तो हमारे पास जो ऑटोकैड की व्यू आएगा, स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से हमारे पास स्क्रीन आएगी। सबसे पहले तो ये है कि जब तक हमको ऑटोकैड की मेन स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस वक्त तक हम कोई भी काम ऑटोकैड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर टूलिंग का पता हो, उसकी कमांड कहाँ लिखनी है, जो टूल बार इस्तेमाल हो रही है वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आगाही सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले यदि ये ऊपर एक बार है जहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल बार में लिखा हुआ ऑटोकैड 2006। बेसिकली ये जहाँ पर 2006 लिखा हुआ ऑटोकैड, ये जो सा भी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर वो सेम एज इट इज ऑटोकैड और जो भी वर्जन होगा उसका आ जाएगा। 2012 है, 2010 है, 2017 है, 2004 है, 6 है, एनीथिंग कोई भी होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो बार है वो आ जाएगा हमारी मेन्यू बार। नेक्स्ट हमारी मेन्यू बार में क्या होता है, मुख्तलिफ टूलिंग की फाइल पड़ी होती है, जैसे कि ये फाइल है, फाइल में मुख्तलिफ चीजें हैं, आपको ओपन करना है किस चीज को, क्यों न्यू पेज लेना है, सेव करना है, ये सारी सही इसमें चीजें, इसी तरह एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये प्रॉपर टूलिंग की है, इनके नाम मेन्यू बार में सबके लिखे हुए हैं जो हम ऑटोकैड में यूज करते हैं, इंशाल्लाह इसको यूज करेंगे तो इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस होगा। और इसके बाद नेक्स्ट बार है, इस बार के अंदर आप अपनी मर्जी के साथ कोई भी टूल बार को सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं, और वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कुछ मेरा दो जो है ना वो टूल बार उनको यहाँ पे लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ आइकॉन मैंने जाहिर किए हुए हैं, मजीद इससे ज्यादा है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम थी बोर्ड के ऊपर, इसलिए कुछ आइकॉन जाहिर किए हैं। इनमें ये आप न्यू पेज क्या है, सेव क्या है, सर्च क्या है, कट करना है, रीडू है, अनडू है और जूम इन और जूम आउट क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार में मतलब इस तरह के आइकॉन। इसके अलावा मजीद और भी पड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज टूल बार। प्रॉपर्टीज टूल बार में तीन पोर्शन है, तीनों में बाय लेयर लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए ये एक पिक्सल से बना हुआ है जिसको यानी कि इसको रेक्टेंगल है, ये वाली बाय लेयर जो है ना ये हमें जो ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग के जो है लाइन लगाए गए हैं कोई भी उसके जॉब को बनाने के लिए लाइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसको जो सा आपने कलर रखना है इस लेयर के जरिए आप कलर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लाइन लगाई हुई है उसके बाद फिर बाई लेयर लिखा हुआ है, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की लाइन टाइप्स पड़ी होती हैं उनको लेकर चलते हैं, जो लाइन की जरूरत होती है उसके ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं और उससे हम ड्राइंग बनाते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह लाइन लगी और बाई लेयर लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि लाइन का साइज मेंशन होता है, जिस साइज में आपने लाइन को लेना होता है आप उसका साइज मेंशन कर देते हो तो उसी साइज में सारी की सारी लाइनें लगी होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टूल बार की ड्रा टूल बार। ड्रा टूल बार ऐसी टूल बार को कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी ड्राइंग को बनाना है या किसी भी कोई भी आपने जॉब है आपके पास उसके मुताबिक आपने कोई भी ड्राइंग तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे जो मेन टूल्स है वो ड्राइंग ड्रा टूल बार में मौजूद होते हैं। इन टूल बार की मदद से हम मतलब टूल्स है इंशाल्लाह ड्रा टूल बार पे आएंगे तो उसको मजीद डिटेल के साथ सबका डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब टूल्स के आइकॉन पड़े होते हैं जो जिस टूल की जरूरत होती है उस आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं और अपने ड्राइंग एरिया में आके
बार के जरिए। इसमें भी इसी तरह मुख्य आइकॉन है, इन आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं और इनसे आगे वर्किंग लेते हैं। बाकी ये नेक्स्ट, ये भी हमारा एक एरिया है जिसको हम खुद एडजस्ट करते हैं अपनी डायमेंशन के मुताबिक, ड्राइंग की डायमेंशन के मुताबिक कितना हमने वर्किंग एरिया चाहिए होता है। इस एरिया को हम ड्रा एरिया या ग्राफिक एरिया बोलते हैं। इस ग्राफिक एरिया के बिल्कुल एक कोने के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बने होते हैं एक्स और वाई। अगर 2D में है तो एक्स और वाई होगा, अगर 3D में है तो एक्स वाई और जी होगा। इसको हम बोलते हैं कि UCS आइकॉन। UCS स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सबसे नीचे दो बार हैं, यहाँ पर भी कमांड लिखा है, ये भी कमांड और ये भी कमांड। इस बार को बोलते हैं वैसे कमांड बार, जो सबसे लास्ट में इसमें कमांड बार बोलते हैं। जो आपने कमांड एक्टिव की है उसके रिलेटिव जो भी आपका डाटा है वो इस कमांड बार में आएगा। ये शॉर्टकट की के जरिए आप करते हैं, तो शॉर्टकट की के जरिए आप इसमें कमांड बार में लिखेंगे। और ये जो ऊपर दो कमांड लिखी हुई आ रही, जो आपने कमांड को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद आपने अपना काम किया, तो जो प्रीवियस है तो नेक्स्ट कमांड आपने इस्तेमाल किया, नेक्स्ट कमांड भी इसी है, जो आपकी प्रीवियस कमांड हो चुकी होगी वो इन कमांड में लिखी जा रही होगी साथ साथ कि आपने इससे पहले कौन सी कमांड इस्तेमाल की है। ये थी डिटेल ऑफ ऑटोकैड स्क्रीन की। इंशाल्लाह इसका जो है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल के पीरियड में आएंगे तो इसकी ऑटोकैड की स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हाजिर होने वाला है।